नमस्कार, मैं अंजनी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 14 एंकर्स के बहिष्कार के INDIA गठबंधन के फैसले की NBDA ने आलोचना की है और कहा है कि यह प्रेस की आजादी को खतरे में डालता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल दलों ने गुरुवार 14 सितंबर को कुछ न्यूज चैनल्स के एंकर के शो का बहिष्कार करने का फैसला किया। इस फैसले की न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA ने आलोचना की है। NBDA ने बयान जारी करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की मीडिया समिति ने कहा है कि वे कुछ पत्रकारों एंकर्स के शो और कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। गठबंधन की ओर से लिए गए निर्णय से NBDA बहुत व्यथित और चिंतित है। इस फैसले ने खतरनाक मिसाल कायम की है। बयान में आगे कहा गया कि देश की कुछ शीर्ष टीवी समाचार हस्तियों के शो में भाग लेने से विपक्षी गठबंधन के प्रतिनिधियों पर प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र के लोकाचार के खिलाफ है। ये असहनता का प्रतीक है और मीडिया की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। आपातकाल के दौर का जिक्र करते हुए NBDA ने कहा कि कुछ पत्रकारों एंकर्स का बहिष्कार देश को आपातकाल के उस दौर में ले जाता है जब प्रेस पर ताला लगा दिया गया था और स्वतंत्र आवाजों को कुचल दिया गया था। NBDA ने विपक्षी गठबंधन से इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया क्योंकि इस तरह का निर्णय पत्रकारों को डराने, धमकाने और मीडिया की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने जैसा होगा। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख और विपक्षी गठबंधन की मीडिया समिति के सदस्य पवन खेड़ा ने यह लिस्ट जारी करते हुए कहा था कि रोज शाम 5 बजे से कुछ चैनलों पर नफरत की दुकानें सजाई जाती है। हम नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो नफरत मुक्त भारत है। उन्होंने कहा कि बड़े भारी मन से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ एंकर्स के शो और कार्यक्रमों में हम भागीदार नहीं बने। हमारे नेताओं के खिलाफ अनगल टिप्पणियां, फेक न्यूज आदि से हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन समाज में नफरत नहीं फैलने देंगे। उनसे पहले कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने भी एक्स पर एक पोस्ट डालकर कुछ पत्रकारों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था, पत्रकार अपनी आचार संहिता के खिलाफ जाने को मजबूर हो रहे हैं ताकि उनके मालिकों के व्यवसायिक और राजनीतिक हितों को पूरा किया जा सके। बार बार भारत के कॉरपोरेट स्वामित्व वाले मीडिया ने राहुल गांधी जी को शासन और उसके गुर्गों के लिए उनके स्पष्ट और निडर विरोध के लिए अनुचित रूप से निशाना बनाया। अब ईमानदार रिपोर्टरों को राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पक्षपाती ट्रोल बनने के लिए मजबूर किया जाता है। इन कठिन समयों में साहस के लिए ईमानदार पत्रकारों को सराहा जाना चाहिए, लेकिन मीडिया के दिग्गज, जिनमें एक PM मोदी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, पूरी तरह से मोदी के धुन पर नाच रहे हैं। इस भ्रष्ट, विभाजनकारी और समझौता परस्त मीडिया के हिस्से का, जनहित का दुश्मन, पत्रकारिता के नेक पेशे और भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा मारा जाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने कहा था। उसके बाद आपको बता दें कि जब ये बयान सामने आए, चीजें कही गई, इसके बाद पत्रकारों ने भी अपनी आवाज जो है बुलंद की। पत्रकारों के नए गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के समूह निर्णय पर चिंता जाहिर करते रहे। अभिजीत मजुमदार ने लिखा, राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, विदेश यात्राओं पर मोदी सरकार द्वारा मीडिया को दबाने के बारे में शिकायत करते हैं, आज कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन INDIA ने 14 पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दिया है जो उनसे कठिन सवाल पूछते हैं। यह पाखंड नहीं है, यह दम्भ है कि भारत भारतीय मूर्ख है और किसी भी झूठ पर यकीन कर लेंगे। वही श्रीमाय तालुकदार कहते हैं कि इस बात का सबसे ठोस सबूत है कि अगर INDIA गठबंधन सत्ता में आता है तो वह उन पत्रकारों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा जो उनके दबाव में नहीं झुकते। राहुल गांधी के विदेश जाकर मीडिया की स्वतंत्रता पर लंबी चौड़ी बातों का आखिर क्या हुआ? भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में मीडिया को धमकी देने और अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों को चुप कराने के कई उदाहरण हैं। इस क्रम में उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया और उनकी आलोचना करने वालों को गिरफ्तार किया। इंदिरा जी तो इस मामले में स्वर्ण पदक विजेता बनी हुई है। उन्होंने प्रतिबंध न्यायपालिका, प्रतिबंध नौकरशाही का आह्वान किया और भयावह आपातकाल लगाया। राजीव जी ने मीडिया को राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह विफल रहे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पत्रकारों पर बहिष्कार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने एक रैली में कहा, अब तो इनके पत्रकारों को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी कर शुरू कर दिए हैं। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट अब है और मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ में कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे। तो ये बातें जो है की गई, तो ऐसे में अब समाचार संघ ने भी INDIA गठबंधन के फैसले को गलत माना है। न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA ने गठबंधन के इस फैसले को वापस लेने को कहा। NBDA ने लिखा है कि विपक्षी गठबंधन INDIA की मीडिया कमेटी के फैसले ने खतरनाक मशाल पेश की है। NBDA ने आगे लिखा कि यह बैन लोकतंत्र के लोकाचार के खिलाफ है और असहमता का संकेत देता है। NBDA ने विपक्षी गठबंधन से इस फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई। ऐसे में NBDA क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन को पहले ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। यह समाचार समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों की सामूहिक आवाज है। इसका संचालन सदस्यों के वित्त पोषण से होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट अगर आप कहेंगे कि चीज है, और ऐसे में NBDA ने जिस तरीके से चीज़ें कही है, जिस तरीके से कहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 14 एंकर्स को आपने लिस्ट तैयार की है, हम उस लिस्ट के बारे में आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो उन्होंने जो लिस्ट तैयार की है, क्योंकि ये ऐसे पत्रकार हैं जो सवाल पूछते हैं। सुधीर चौधरी ने सवाल पूछा तो कांग्रेस शासन में थे प्रियंका खड़गे ने बयानबाजी की, फिर उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करा दिया। तो कांग्रेस का ये चलन है, जो पूछेगा सवाल उसे जवाब में मिलेगा FIR, उसे सवाल में हम भेजेंगे जेल। तो ऐसे में जिस तरीके से 14 न्यूज एंकर के बहिष्कार का जो फैसला उन्होंने किया है, इसके बाद इस पर बहस छिड़ गई है। BJP इसे गलत बता रही है, लोग भी इसे गलत बता रहे हैं, पत्रकारों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। और कांग्रेस का कहना है, क्योंकि वो हमेशा मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, उनका विधायक मुंह में हिंसा फैलाने के मामले में गिरफ्तार हो जाता है, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं कहीं और कोई मामले इनके निकल कर सामने आते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं लेकिन आपस में ही मोहब्बत जो है नहीं दिखती है। और अभी पत्रकारों को जो बैन करने की बात इन्होंने कही है, 14 जो एंकर्स के लिस्ट है, इसमें कौन सी मोहब्बत है, कौन सी मोहब्बत की दुकान ये यहाँ पर भी खोल रहे हैं? कोई इंसान अपना काम कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, आपको सवाल का जवाब नहीं देना, आपके पास आज़ादी है सवाल के जवाब ना देने के लिए। एंड आपने बॉयकॉट करने का फैसला किया है, पहले मूवीज बॉयकॉट होती थी, अब पत्रकारों को बॉयकॉट करने लगे हैं। अब ऐसे में गठबंधन ने कहा है कि नफरत भरे न्यूज डिबेट है। नफरत भरे न्यूज डिबेट इसलिए है क्योंकि सबसे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे ये कहा जाता है कि क्यों वो एक सरकार है जो बेहतर काम कर रही है और आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपने 70 साल राज किया और आपने वो काम नहीं किया, कोई 9 साल राज करके वो काम कर रहा है, क्या ये 70 सालों में काम नहीं होना चाहिए था? तो ये आपको लगता है कि ये गलत सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई कहता है कि आपके राज्य में चीजें खराब हो रही है, दूसरे के राज्य में इतना बड़ा एक राज्य उत्तर प्रदेश जैसा वो संभाल रहा है लेकिन आपसे एक राज्य नहीं संभाल रहा, उसमें कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, आपको लगता है नफरत की दुकान खोल रहे हैं। सवाल पूछने का मतलब नफरत की दुकान खोलना नहीं, जो आम जनता है उन्हें जानकारी देना है कि आखिर आपको वोट देने के बाद आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, जवाबदेही आप है। अब पर्टिकुलर हर जनता आके आपसे सवाल पूछेगी नहीं, इसलिए पत्रकारों का काम है आपसे सवाल पूछना, आपके जवाबों तक आपको जवाब जो है वो जन जन तक भेजना। लोग आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमेशा अगेंस्ट ही चीज़ें चलती है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसको भी तो दिखाया गया, लोगों को कैसे पता चला इतनी लोगों को कि भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, मीडिया ने इसका भी प्रचारण प्रसारण किया, कौन कौन से लोग शामिल हुए इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी। तो सिर्फ एक नेगेटिव साइड को लेकर यह कहना कि बहिष्कार करना है, बॉयकॉट करना है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और एक ही ऐसी पार्टी से आना जिस पार्टी के एक इतिहास रहा है पत्रकारों को जेल में डालने का, इमरजेंसी लगाने का, आवाज दबाने का, ये और भी ज्यादा सीरियस मैटर हो जाता है। और यही कारण है कि इस मामले को लेकर अब जो है NBDA ने नाराजगी जताई है और कहा है कि ये इमरजेंसी की याद दिलाता है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद।